हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में महादेव का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक राज में राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनका राज में कई वर्षों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुआ था। उनके राज के प्रजा त्राही त्राही हो गए थे, जहां के तहां पशु पक्षियां पानी के बिना बेमौत मारे जा रहे थे, हरे भरे पौधे सूखे पड़ रहे थे, जमीन जो था बंजर पड़ गया था, पानी नहीं पड़ रहा था। वहां के प्रजा बड़े दुखी थे, राजा से कहने लगे, राजा साहब, यहां बारिश नहीं हो रहा है, तो यदि दो चार तालाब खतवा देते तो इसमें आपका क्या जाता, आपका ऑर्डर हम लोग मेहनत करते और पानी पीने का साधन हो जाता। राजा साहब तालाब खतवाने लगे, धीरे 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 सात तालाब खतवाए, लेकिन सात तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं निकला। और जब पानी नहीं निकला तो राजा बड़े उदास थे, पानी के लिए पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ करवाए, लेकिन एक बूंद पानी नहीं निकला। राजा अपने प्रजा से कहते हैं कि आखिर मैं, हम लोग पूरे लोग प्रजा सब राजा प्रजा क्या पाप किए हैं, मेरा राज में पानी नहीं पड़ रहा है और तालाब भी खुदवाए तो एक बूंद पानी नहीं निकला, इसमें जरूर मेरा कोई कमी रहा होगा। और इतना कह के माँ दुर्गा के मंदिर चले गए। माँ दुर्गा से कहते हैं कि हे माँ दुर्गा, आखिर क्या कारण है जो एक बूंद भी पानी नहीं निकला है, कितना दिन लगा तालाब खोदाने में। पूजा पाठ करके आ गया राजा, महादेव के मंदिर गया, महादेव से भी कहा और कहने लगा कि किसी में कोई शक्ति नहीं, यदि शक्ति रहता तो जरूर उसमें पानी निकलता, मेरा तालाब लबालब हो जाता, सागर की तरह मैंने गड्ढे तालाब खोदवाया। रात में राजा सोया तो सपने में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उठो राजा, अपनी सोच चिंतक त्याग दो, कोई पतिव्रता नारी सती स्त्री है तो उससे बोलो कि गंगा से पानी भर के और तालाब में डाल देगा तो तालाब में पानी लबालब हो जाएगा। इतना बात कह के और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए, माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो गए, राजा का नींद टूटा। तो राजा का नींद टूटा तो अपने सवेरे होते ही पूरे प्रजा से बोले कि भाई कोई ऐसा सती स्त्री है तो मेरा तालाब में गगरी से पानी डाल दे तो मेरा तालाब में पानी भर जाएगा। गुरु भाई बहना, पूरे नगर के लोग तालाब में पानी डाले, कोई स्त्री से पानी नहीं भरा। तो राजा सोचते हैं कि मेरा रानी तो सती है और मेरा रानी सतीव्रता नारी पतिव्रता, वो तो महल से बाहर भी नहीं जाती है तो उसे तो पानी अवश्य भर जाएगा।
अपने पत्नी से जाकर कहती है, कहते हैं राजा कि हे देवी, मैं तो सारी नगर के स्त्रियों से हार चुकी हूँ, कोई किसी से पानी भर नहीं भरा, तो आप तो पतिव्रता हैं, आप घड़े से पानी ले जाकर सातों तालाब में एक एक घड़ा डाल दीजिए, पानी भर जाएगा। रानी संकोच में पड़ गई और संकोच में पड़ने के बाद मन ही मन सोचती है कि मैं तो कोई सतीव्रता पतिव्रता ही नहीं हूँ, मैंने तो घर में ही मंत्री के साथ नाजायज संबंध बना के रखा हूँ, राजा को तो पता भी नहीं, अब मैं अपने पति से क्या बताऊं। रानी ने सुबह उठकर स्नान की, घड़े में पानी भर के तालाब में डाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा ने सर पे हाथ रख के सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरा पत्नी भी कोई पतिव्रता सतीव्रता नहीं है, यदि पतिव्रता रहती तो जरूर तालाब में पानी हो जाता। अब हम तो राज छोड़कर और दूसरे राज में चले जाएंगे। राजा जो थे, राजा ठीक आधी रात में अपना नगर को त्याग दिए और नगर को त्याग कर चलने लगे। तभी माँ दुर्गा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ भंडारिणी सभी राजा को रास्ता टेक लिए और कहने लगे कि राजा, इस आधी रात में तुम कहाँ जा रहे हो। राजा कहने लगे कि इस नगर में रहने से मुझे क्या फायदा, जिस नगर के प्रजा जो है पानी के बिना तंग हैं, प्राण कितने जा चुका है मुझे देखकर रहा नहीं जा रहा है। माता दुर्गा कहते हैं कि राजा चिंता मत करो, ई राज में एक सती स्त्री है, उसका ब्याह का एक दिन ही हुआ था और उसका पति दूसरा दिन मृत को प्राप्त हो गया था सर्प डासने के कारण, उसका पति को सर्प डास लिया था, वो विधवा है, उसके सास ससुर जेठ जेठानी सब मिलकर उसे निकाल दिए हैं, कलंकनी साबित कर दिए हैं, उसका ब्याह का 8 वर्ष हो गया है, उसका एक पुत्र है 7 वर्ष का, उसका ब्याह होते ही उसी दिन का गर्भधारण रह गया था, उसका पति का मृत्यु होने से पहले वो माँ बनने वाली थी एक ही दिन में, और वो स्त्री को कलंकनी कह के उसके सास ससुर घर से निकाल दिए थे और वो एक झोपड़ी लगा के रहती है गांव से अलग, उसे जाकर बोलो, हाथ जोड़ो, विनती करो, वो गगरे से पानी डाल देगी तालाब में तो तालाब में पानी तो लबालब हो जाएगा। राजा कहते हैं कि ऐसी बात तो, हाँ। राजा तनिक भी देर नहीं किए लौटने में, घर वापस आ गए। सवेरे होते ही उस विधवा स्त्री के पास गए जिसका 7 वर्षीय एक पुत्र था, उससे जाकर हाथ जोड़ के कहते हैं कि बहन जी, मैं आपका धर्म का भाई हूँ और आप मेरा बहन हैं, मैं 7 तालाब खुदवाया हूँ, कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है, यदि कोई पतिव्रता उसमें डाल दे सतीव्रता, एक घड़े पानी तो तालाब में पानी लबालब हो जाएगा, 7 दिन में 7ों तालाब में डालना है। ओ बेचारी विधवा स्त्री फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि राजा साहब, कैसी पतिव्रता, कैसी सतीव्रता, जो ब्याह होकर आई और उसका पति दूसरे ही दिन मृत को प्राप्त हो गए, ओ कैसा पतिव्रता, जिसका परिवार ने हाथ पकड़ के कलंक निकाल के घर से निकाल दिए। राजा कहते हैं कि नहीं, आप तो देवी हैं, मैं मुझे माता दुर्गा स्वयं बोले हैं और मैं माता दुर्गा के कहने से आपके द्वार पे आया हूँ।
ऐसा राजा ने विनती किए तो वह बेचारी विधवा स्त्री जल डालने के लिए तैयार हो गई। माँ दुर्गा भगवान भोलेनाथ के भक्त थी, बिना पूजा पाठ किए हुए वो कभी भोजन नहीं करती थी। सवेरा हुआ, हाथ में एक मिट्टी का गगरा ली और भगवान के पूजा पाठ के करके गगरे से पानी मंदिर में रख दी और माता दुर्गा को कहती है कि हे माँ दुर्गे, आप इतना शक्ति दें कि मैं इस जल को तालाब में डालूं और तालाब में पानी लबालब हो जाए। महादेव से कहती है कि हे महादेव, आपको तो जटा में ही गंगा का वास है, आप इतना तालाब में पानी दे कि तालाब में पानी लबालब हो जाए, मैं डालूं और तालाब में पानी भर जाए। इतना कह के बेचारी सती नारी जाकर तालाब में पानी डाली, तालाब में पानी लबालब हो गया, तालाब में पानी भर गया। पूरे नगर के लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, नगर में खुशियां ही खुशियां छा गया। लोग डुबक डुबक के पानी उसमें से ले जाने लगे, गाय गोरू लेरू बछरू को पिलाने लगे, खुद को भी पीने लगे। लोग वहां के बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। दूसरा दिन वो बेचारी सती नारी दूसरी तालाब में भी उसी तरह का के पानी भरी और पानी लबालब हो गया, पूरे तालाब भर गया। तीसरा दिन तीसरी तालाब में रानी को पता चला तो रानी सोचती है कि अरे मुझसे तो कुछ नहीं हुआ। और वो एक विधवा स्त्री जिसके सास ससुर जेठ जेठानी माता पिता पूरे नगर पंचायत के लोग हाथ पकड़ के निकाल दिए थे, वो इतना सतीवर्ती है, इतना पतिवर्ता है। अच्छा, उसका पतिवर्ता धर्म हम तुड़वाते हैं, देखते हैं कैसे पतिवर्ता रहेगी। गुरु भाई बहना वो क्या किए, रानी रात में पूरा चिल्लाने लगी और पूरा जोर जोर से गरजने लगी। राजा उसके पास गए और कहते हैं कि रानी क्या हुआ, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। रानी कहती है कि राजा साहब, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, आज मैं मरने वाली हूं। राजा बोले कि क्या कुछ भी बचने का उपाय हो तो तुम्हें बचाएंगे। रानी कहती है कि राजा साहब, आप नहीं जानते मेरा प्राण कैसे बचेगा। बोले कैसे बचेगा, तो जिसका जिस स्त्री को पूरे पंचायत मिलकर निकाल दिया था, जो विधवा है जिसका 7 वर्ष का पुत्र है, माँ दुर्गा ने मुझे सपन में बोले हैं कि उसका कलेजे अपना कलेजे पर रख के सफेद कपड़ा से बांध लेगी तो तेरा हर बीमारी दुख दूर हो जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा तनिक भी देर नहीं किया, राजा इतना बड़ा पाप करने में थोड़ा सा भी नहीं घबराया और एक तेगा उठाया और उस विधवा स्त्री को, उस समय बेचारी पूजा कर रही थी, राजा ने उसका बच्चे को लाकर खंड कर दो टुकड़े करके उसका कलेजा निकाल के अपना पत्नी को दे दिया। माता ने कोप उठी और प्रण ले ली कि जाओ राजा, तेरा राज को मैं नष्ट कर दूंगा, तेरा राज में बिखेर दूंगा, तेरा धन संपत्ति सब नष्ट कर देंगे। राजा ने ले जाकर अपने पत्नी को कलेजा दे दिया, पत्नी ने उसका अपना कलेजा पे कलेजा को रख लिया। सवेरा हुआ तो राजा का 7 पुत्र था, एक पुत्र तो उसका मृत प्राप्त हो गया। रानी ने देखी तो रोई, पटकी गिड़गिड़ाई। 6 पुत्र रहा, दूसरा दिन दूसरा पुत्र भी मर गया, फिर रानी रोई पटकी गिड़गिड़ाई। तीसरा दिन धीरे 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 7वां दिन होते होते 7ों पुत्र राजा के मर गया, एक पुत्र भी नहीं रहा।
गुरु भाई बहना, वो जो विधवा स्त्री थी जिसका वही सहारा था, उसके अलावा कुछ नहीं। ओ बेचारी तो सगरो बच्चा को खोजने लगी, फुट फुट के रोने लगी, गरजने लगी, चिहकने लगी, लेकिन उसका बच्चा मिला ही नहीं। मिलेगा कैसे? राजा निर्दयी कसाई मार के उसे जमीन में गाड़ दिया था कलेजा निकाल के, तो बच्चा नहीं मिला। अब माँ के मंदिर में जाके कहती है कि माता मेरा पुत्र कहाँ गया? माता कहते हैं कि अब इसके बदला लेने के लिए तो मैं इसका गोद में एक पुत्री बन के और इसका जीवन में खुशियां लाने के लिए रहेंगे। माता ने एक छोटा एक दिन के बच्चा मंदिर के सीढ़ियों पे बन के रह गए। वो पूजा करके बेचारी विधवा स्त्री निकली माता के पास रो गिड़गिड़ा के, तो देखती है कि एक दिन का एक बच्ची रो रही है। उसे उठाकर गोद में लेकर कहती है कि अरे पुत्री, कौन ऐसा निर्दयी माँ है जो तुम्हें छोड़ दिया है और तुम सीढ़ियों पे रो रही हो? मेरा तो 7 वर्ष का पुत्र का पता नहीं कहाँ चला गया। चलो गोद में आ जाओ, तुम्हें ही पोसेंगे पालेंगे। बेचारी विधवा स्त्री जैसा ही बच्चे को गोद में लिया तो माता कहती है कि सुनो, तेरा पुत्र कहीं नहीं गया है, तेरा पुत्र को राजा ने मार दिया है। राजा ने मार दिया है और उसका बदला हम लेंगे। चिंता मत करो, तुम्हारे गोद में हम पुत्री के पुत्री बन के पलेंगे। और आज तक आज मेरा याद रहेगा, आज के बाद एक नवजात शिशु बन के रहेंगे। जैसे अन्य बच्चा रहते हैं पृथ्वी पर, उसी तरह रहेंगे तुम्हारे पास। और जब मेरा 16 साल हो जाएगा तो राजा का चुन चुन के बदला लेंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी विधवा स्त्री उस बच्चे को ले ली और बताई, वो बच्ची बताई कि मैं तो दुर्गा हूं, मेरा नाम माँ भंडारिणी है, ऐसा कहके और उसके गोद में बैठ गए। बेचारी विधवा स्त्री घर लाई, घर लाकर उसे पोलने लगी, पोसने लगी, पालने लगी। सभी लोग कहने लगे कि वो विधवा स्त्री के पास बच्चा कहाँ से आया, एक दिन का बच्चा, ये पापन है। यह कहती है अपने आप का सती, लोग उसे बहुत बुरा भला कहें। गुरु भाई बहना, राज से निकाल दिए और राज से निकाल देने के बाद वो भागी जा रही थी उस बच्ची को लेकर, तभी जंगल में पकड़ लिए लोग उसे और उसे मार दिए। ये बच्ची अकेली रह गई, ये बच्ची को कोई नहीं कुछ किए। एक राजा उसी रास्ते से जा रहे थे, उस राजा ने धर्मवीर सिंह उठा लिए बच्ची को, वो निसंतान थे, धर्मवीर उठा लिए और अपने घर लेकर गए, अपने पत्नी को उपहार में दिए। उनका पत्नी बच्ची को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ी खुशी हुई और अपने पति से कहती है कि इतनी सुंदर बच्ची कहाँ मिली? धर्मवीर कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानती हो, एक विधवा स्त्री मरी पड़ी हुई थी, उसके बगल में ये बच्ची रो रही थी, तो मैंने इसे उठा लिया। राजा उसे पुत्री समझकर पोसने लगे। धीरे 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 समय बीतता गया और वो बच्ची 16 वर्ष की हो गई। और जब 16 वर्ष की हो गई तो सभी उसे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। उसे पता चल गया कि मैं तो कोई मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो दुर्गा की बहन भंडारिणी हूँ, मैं तो काली दुर्गा का अवतार हूँ। और राजा के घर में दिन भर रहते और रात्रि के समय और निर्दयी राजा के घर में पहुंच जाते, उनके घर तहलका मचाते,
धीरे 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 जो राजा तालाब खतवाया था, विधवा स्त्री का बच्चे का मरवाई थी और उसे रास से निकाल दी, मरवा दी, उसके घर एकदम खंडर कर दिए। राजा के आंखों में तिरछुल भोंक दिए, रानी के आंखों में तिरछुल भोंक दिए, राजा रानी दोनों अंधे हो गए। सात पुत्र था, सातों पुत्र तो पहले ही मर चुका था। राजा के पानी और अन्न के बिना भी तरसना पड़ा, क्योंकि राजा अंधे हो गए तो राजपाट तो उनका नष्ट हो गया। अब राजा साहब दर दर भटकने लगे, ठोकरे खाने लगे, दर दर भीख मांगने लगे, क्योंकि राज से निकाल दिया गया। माता भंडारिणी जब राजा राज से निकल गए, दर दर ठोकरे खाने लगे, तो एक पहाड़ी पे अपना बसेड़ा ले लिए। पहाड़ी पे अपरूपी मंदिर बन गया और माता भंडारिणी जो राजा पोसे पाले थे उसे कहते हैं धर्मवीर के कि पिताजी आपके पोसने के लिए मुझे बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं एक विधवा स्त्री के गोद में इसलिए आया था कि राजा से मुझे बदला लेना था और मैं दुर्गा हूँ। मैं इस पर्वत पे जा रहा हूँ, उसी पर्वत पे अपना आसन बासन कर लूँगा और उसी पर्वत पे मैं रहूँगा। अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ, पूरे संसार के लोग मुझे पूजेगा और माता भंडारिणी के नाम से जानेगा। पिताजी आज तक ही मैं आपका पुत्री हूँ, आज से आप मुझे देवी मानिएगा और मैं पर्वत के बसेड़ा रहूँगा। माता भंडारिणी पर्वत में बसेड़ा ले लिए, उनका आपरूपी मंदिर बन गया। सारे संसार के लोग माता भंडारिणी को नाम से जानने लगे, पूजा पाठ करने लगे और वहाँ जानने लगे। तो गुरु भाई बहना माता भंडारिणी के नाम से जो भी मन्नतें करते हैं उनके चरण में जाके तो उनका हर मन्नतें पूरी होती है। और माता भंडारिणी सब पे दया करते हैं, अपने कृपा बरसाते हैं, किसी का कोई दुख दर्द नहीं होता। यदि माता भंडारिणी के पास कोई भी दुखी जाते हैं और उनके शरण में माथा टेक देते हैं तो उनका दुख हरण हो जाता है। राजा ने जैसा किया वैसा पाया। बेचारी विधवा स्त्री पे अत्याचारी किया। गुरु भाई बहना बेचारी तीन ही तालाब में पानी डाली थी और तीन ही पानी तालाब में पानी भरा था। इस घटना के बाद वो बेचारी तालाब में पानी नहीं डाल पाई और ना ही तालाब भरा। वहाँ के लोग राजा को कभी मुड़कर भी नहीं देखे। राजा तो इतने गिर गए कि उनका हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, आँख से अंधे हो गए, दर दर भटकने लगे, भीख मांगने लगे, उनका राजपाट नष्ट हो गया, पुत्र मर गया। माता भंडारिणी हर दुख उसे दे दिए, उसका करनी का सजा दे दिए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय माता रानी जरूर लिखें, जो कि आपका नाम मैं जान सकूँ और आपके नाम के अर्जी भगवान के सामने लगा सकूँ और भगवान से दया मांगूँ आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी रक्षा के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। सच्चे दरबार की।